Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. Hey guys, welcome back to another brand new exciting video. My name is Zorbdas. तो जैसे कि आपको पता है कल ही S22 सीरीज ग्लोबली इंडिया में भी लॉन्च हो गया, बट गाइज जो प्राइस है इंडियन प्राइस है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है. बट गाइज आज मैं आपको इसी वीडियो में, आप अगर इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो मैं आपको इसी वीडियो में जो इंडियन प्राइस है वो आपको बताऊंगा. इंडियन प्राइस लीक हो गया है वो आपको बताऊंगा. लेकिन गाइज उससे पहले एक और चीज़ आपके साथ बता देता हूं. आप अगर हमारे चैनल पे नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखो, क्योंकि मैं काफी जल्दी जो S22 अल्ट्रा है उसका अनबॉक्सिंग लाने वाला हूं अपने चैनल पे. मैं ऑलरेडी उसको प्री ऑर्डर भी कर चुका हूं, जैसे कि आप देख सकते हो. आप भी अगर चाहते हो तो आप भी प्री ऑर्डर कर सकते हो. आपको सैमसंग के वेबसाइट पे विजिट करना है एंड वहां पर आप देख सकते हो 1999 रुपीज आप अगर पे कर दो तो फिर आपका प्री बुकिंग कन्फर्म हो जाएगा. एंड उसके बाद जब फर्स्ट सेल आएगा तब आप बाकी का जो पैसा है वो देके आप ऑर्डर कर सकते हो. बट गाइस वहां पर आप जाके देख सकते हो कोई भी प्राइस रिवील नहीं हुआ है. तो आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा जो सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज है उसका प्राइस कितना होने वाला है, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी S22, सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस एंड सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा. ओके एंड गाइस सिर्फ प्राइस नहीं, मैं ऐसे भी मेजर इंप्रूवमेंट बताऊंगा S22 सीरीज का जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड हाइप क्रिएट कर रहा है, तो वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा. आप अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए एंड मुझे भी एक सिल्वर प्ले बटन मिल जाए. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो गाइस वीडियो के शुरू में बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी iQOO 9 का अनबॉक्सिंग जो इंडियन यूनिट है उसका अनबॉक्सिंग मैं डाल चुका हूँ मेरे चैनल पे, सबसे पहले इंडियाज फास्ट आप कह सकते हो इंडियन रिटेल यूनिट का. तो आपको अगर वो वीडियो देखना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप ऊपर आई बटन में एंड मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगा, आप अगर इंटरेस्टेड हो वो वीडियो भी आप देख सकते हो. बाकी अगर मैं बात करूँ S22 सीरीज के बारे में, तो प्राइस के बारे में बोलने से पहले कुछ कुछ चीज़ें जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. गाइस जो सैमसंग गैलेक्सी जो नोट यूज़र थे, नोट तो अभी डिसकंटिन्यूड कर दिया है सैमसंग की तरफ से, बट गाइस जो एस पेन है वो वापस आ गया है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में, जैसे कि आप देख सकते हो. एंड गाइस अब सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा को देखो, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखता है जो नोट सीरीज था सैमसंग का, उसकी तरह काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखता है. ओके तो जो नोट यूज़र थे उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि नोट सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के रूप में वापस आ गया है एंड एस पेन भी देखने को मिलता है. एंड गाइस एक और चीज़ देखो, जो एस पेन है उसका जो लेटेंसी है उसको कितना ज़्यादा कम कर दिया है. ऑलरेडी इतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगता था, आप अगर नोट यूज़ किए हो तो आपको पता होगा जो एस पेन का जो अभी तक का जो लेटेंसी मोड था वो 9 मिलीसेकंड का था, अभी गाइस 2.4 मिलीसेकंड कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हो. तो फिर आप समझ सकते हो आपको पूरा रियल, मतलब आप जब पेंट करोगे या फिर कोई भी चीज़ को ड्रॉ करोगे अपने सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में, तो आपको लगेगा कि पूरा आप मतलब रियल लाइफ में ड्रॉ कर रहे हो. एंड गाइस एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ जो कि मुझे काफ़ी सही लगा, कि ये जो फ़ोन है इसके अंदर आपको 4 ईयर्स का मेजर एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलेंगे, यानी कि अभी अगर ये जो फ़ोन है एंड्रॉयड 12 पे रन कर रहा है तो फिर आपको एंड्रॉयड 16 तक का मेजर एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलेंगे. तो काफ़ी ज़्यादा थम्सअप वाली बात बन जाता है. तो आप अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जरूर से लाइक कर देना, इतना सारा अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. एंड दूसरी बात गाइज, आपको 5 ईयर्स तक मेजर सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिलेंगे. तो फिर जो गाइज S22 सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ बनने वाला है आपके लिए. ओके एंड गाइज 2-3 एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी आपको देना चाहूँगा. जो S21 अल्ट्रा था उसके अंदर जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट था वो 120Hz का था, बट वो कम से कम 10Hz पे जा सकता था, जैसे कि आपको पता है LTPO टेक्नोलॉजी यूज़ करता है सैमसंग, एंड वो 10Hz पे जा सकता था मिनिमम, यानी कि जब डिस्प्ले स्थिर रहेगा तब 10Hz पे होगा एंड आप अगर स्क्रोलिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको 120Hz का डायनामिक स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता था, जैसे आपको एप्पल आईफोन 13 सीरीज में भी आपको देखने को मिलता है जो 13 प्रो एंड प्रो मैक्स है. बट गाइज इस बार उसको और भी कम कर दिया है, आप मिनिमम 1Hz पे जाता है ये डिस्प्ले. अगर डिस्प्ले स्थिर रहता है तो मिनिमम 1Hz पे जाएगा, अगर आप स्क्रोलिंग वगैरह करते हो तो 120Hz का आपको स्मूथ रिफ्रेश रेट देखने को मिलेंगे. इससे आपका बैटरी कंजम्पशन भी कम होगा एंड आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेंगे. ओके एंड इससे भी अलावा गाइज
डिस्प्ले के बारे में एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा, इस बार जो ब्राइटनेस लेवल है, पीक ब्राइटनेस लेवल है, उसको मैक्सिमम आप 1715 nits तक जा चुका है। यानी कि गाइस आप समझ सकते हो आउटडोर में आपका डिस्प्ले पूरा मतलब इंडोर की तरह लगेगा, कि आपको एक अगर आप कड़ी धूप में भी अगर आप फ़ोन को रख दे तो ज़्यादातर फ़ोन विजिबल कर देता है, बट आपको मतलब और भी ज़्यादा विजिबल हो जाएगा स्क्रीन। एंड ये अभी तक का सबसे ज़्यादा स्क्रीन ब्राइटनेस है। ओके, इससे पहले Xiaomi अल्ट्रा था, Xiaomi 11 अल्ट्रा था, जिसके अंदर आपको 1700 nits का मिलता था। अभी सैमसंग ने उसको भी इंक्रीज कर दिया है, 1750 nits कर दिया है। तो फिर आप समझ सकते हो आउटडोर विजिबिलिटी भी कितना अच्छा होगा, मतलब नेक्स्ट लेवल का होगा। ओके, एंड गाइस एक और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ, जो सैमसंग है वो आपको पता है जो इंडिया जो एशियन कंट्रीज है उसके अंदर एक्सजीनोस वेरियंट लॉन्च करता है। जो सैमसंग का जो खुद का प्रोसेसर है सैमसंग एक्सजीनोस 2200 सीरीज इंडिया में एंड स्पेशली जो एशियन कंट्रीज है उसमें लॉन्च करता है। एंड जो स्नैपड्रैगन वेरियंट है यानी कि जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है वो आपको US बेस्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है। बट इस बार ऐसा आपको देखने को मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। एंड मैं नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर ने कन्फर्म भी किया है कि आपको इंडिया में स्नैपड्रैगन वेरियंट यानी कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर वाला फ़ोन भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि एक्जीनोस वेरियंट एंड स्नैपड्रैगन वेरियंट दोनों ही लॉन्च कर दे, बट ऐसा लीक एंड रूमर्स आ रहा है कि इंडिया में आपको स्नैपड्रैगन वेरियंट भी देखने को मिलेंगे इस बार। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूज़ बन सकता है, क्योंकि गाइस मैंने देखा है कि जो एक्जीनोस वेरियंट है एंड जो स्नैपड्रैगन वेरियंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क आ जाता है, कैमरा ट्यूनिंग एंड बैटरी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आ जाता है। तो इसके लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। एंड गाइस एक्जीनोस वेरियंट भी कम नहीं है गाइस, इस बार सैमसंग ने AMD के साथ स्पेशली ट्राई अप किया है गेमिंग एंड ग्राफिक्स सेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। जो AMD का जो ग्राफिक्स आपको PlayStation 5 में देखने को मिलता है वैसा ही कुछ आपको इस बार एक्जीनोस वेरियंट में भी देखने को मिलेंगे। तो फिर आप सोच सकते हो जो एक्जीनोस वेरियंट है वो भी कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। एंड गाइस अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो मैं S22 से शुरुआत करना चाहूँगा। जो अमेरिकन गाइस जो प्राइस है वो तो $799 है, यानी कि अगर इंडिया में कन्वर्ट करूँ तो 60,000 के अराउंड होता है। बट गाइस इस बार जो हर एक मॉडल है उसके अंदर आपको 2000 से लेकर 3000 रुपये का आपको एक्सपेंड करेगा, यानी कि जो सैमसंग गैलेक्सी S22 है उसका जो प्राइस है वो 62,000 इंडियन रुपीज़ होगा। ओके, एंड 62,999 रुपीज़ होगा। एंड जो सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस है US प्राइस है वो है $999 है, यानी कि लगभग 75,000 के अराउंड आप कह सकते हो। यानी कि जब इंडिया में आएगा तब 77,000 रुपीज़ में आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, 77,000 या फिर 77,999, यानी कि 2-3 हज़ार का ही बस फर्क देखने को मिलेंगे, ऐसा लीक हो गया है। एंड गाइस जो एग्जैक्ट प्राइस है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा है उसका जो प्राइस है वो आपको पता है, जो अमेरिकन प्राइस है वो है $1199। एंड अगर आप उसको इंडिया में कन्वर्ट करते हो तो 85,000 के अराउंड होता है, साथ से 89,000 के अराउंड होता है। बट गाइस इंडिया में वो जब आएगा तब आपको 92,999 रुपीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि लगभग आपको 3 से लेकर 4 हज़ार रुपीज़ का आपको एक्स्ट्रा ही देना पड़ रहा है जो US प्राइस है उससे। आई होप कि गाइस 3000 रुपये का आपको मैक्सिमम एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ेंगे जब ये इंडिया में आएगा तब। यानी कि गाइस जो US प्राइस है उसका अभी ये काफ़ी सारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स उसने कंफर्म किया है कि 3000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ सकता है। ओके, एंड गाइस प्राइस इतना कम रखने का एक और वजह भी है। ओके, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि जो प्राइस है वो इससे पहले का जो सैमसंग गैलेक्सी S21 जो अल्ट्रा सीरीज होता था उसके अंदर आपको मिनिमम बेस वेरिएंट जो होता था वो 12 GB से स्टार्ट होता था। बट इस बार गाइज आपको स्टोरेज एंड रैम दोनों ही आपको कम देखने को मिल रहा है, इस बार प्राइस कट हुआ है वहाँ पर, क्योंकि गाइज आपको इस बार 8 GB प्लस 128 GB का वेरिएंट जो बेस मॉडल है वो देखने को मिलेंगे हर एक S22 लाइनअप में, यानी कि S22, S22 प्लस, S22 अल्ट्रा। ओके, तीनों में ही आपको 8 GB 128 GB का बेस वेरिएंट देखने को मिलेंगे। तो बस गाइज उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखो। मैं जल्द से जल्द जो इंडियन रिटेल यूनिट है उसका अनबॉक्सिंग इंप्रेशन आपके साथ अगर मैं कोशिश करूंगा लेके आने के लिए जितना जल्दी हो सके। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll find out.